हेलो दोस्तों नमस्कार। उबर हर साल 500 मिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में तकरीबन 3600 करोड़ रुपए साल के ड्राइवर्स के हक का पैसा खा जाती है। जी हां, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उबर के ऊपर ये इल्जाम लगा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहां होती है आपकी बात, आपके मुद्दों की बात। फेडरल कोर्ट सैन फ्रांसिस्को में उबर के ऊपर ये शिकायत दाखिल कराई गई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि उबर 500 मिलियन डॉलर के करीब हर साल ड्राइवरों का हक का पैसा खा जाती है। शिकायत में ये कहा गया है कि उबर को अपने ड्राइवर्स को अगर कर्मचारी दिखाती है तो न्यूनतम तकरीबन 9 डॉलर पर घंटे की मेहनताना के हिसाब से पैसा देना पड़ता। ये 9 डॉलर भारतीय रुपयों में तकरीबन 630 रुपए पर घंटे के हिसाब से बैठेगी आज के रेट के हिसाब से। लेकिन उबर ने ड्राइवर्स को कॉन्ट्रैक्ट में दिखा रखा है, ठेकेदारी के रूप में दिखा रखा है जिसके तहत ये पैसा देने से वो बचती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये कंपनियां कैब एग्रीगेटर्स कभी भी ड्राइवर्स को अपना एम्प्लॉय मानने को तैयार नहीं होती, जिसकी वजह एक सबसे बड़ी ये है जितनी तादाद में ये हर रोज अपने कंपनी में कैब को अटैच करते जा रहे हैं क्योंकि इन्हें तो कुछ देना नहीं है, काम आएगा तो मिलेगा नहीं तो बैठे रहो, कोई 14 घंटे, कोई 16 घंटे, कोई 20 घंटे। शिकायतकर्ता ने वहां के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि अगर उबर कंपनी ड्राइवर्स को अपना कर्मचारी दिखाती तो उनको न्यूनतम भत्ता, न्यूनतम वेतन, मेडिकल की सुविधा, हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी कॉम्पनसेशन, यानी कि आज के रेट में जैसे यहां आप लोगों को पता है कि कई ड्राइवर ने अपनी जान गंवा दी लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। अगर उन ड्राइवर्स को उबर अपना एम्प्लॉय दिखाती तो ओवर टाइम भी देना पड़ता। कैसे आप लोग 20-20 घंटे गाड़ी चलाते हैं लेकिन क्या मिलता है? ना कोई नाइट चार्जेज, ना ओवर टाइम, तो ये भी वहां पे उनको देना पड़ता, जिसके बहुत सारे पैसे इसमें भी उन्होंने बचाए। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए उबर कंपनी अमेरिका के अंदर में अपने ड्राइवर्स को एम्प्लॉय नहीं दिखाती है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में दिखाती है, और जिसकी वजह से जो ड्राइवर्स का न्यूनतम हक है वो मारा जा रहा है। और शिकायतकर्ता ने यह कहा है कि तकरीबन 500 मिलियन डॉलर उबर हर साल ड्राइवरों के हक का पैसा मार लेती है। एक सबसे अहम बात जो इस शिकायत में कही गई है कि उबर उस रेट पे राइड करवाती है, यानी कि उस रेट पे गाड़ी चलाती है जो अपने एक्चुअल रेट यानी कि रियल रेट से बहुत कम है। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये कंपटीशन इनका बना रहे और ज्यादा से ज्यादा ये धंधा या अपना बिजनेस कर पाए, लेकिन बलि का बकरा बनाया जाता है ड्राइवर्स को। तो ये सबसे बड़ी अहम बात है कि ड्राइवर्स के उनके एक्चुअल कॉस्ट से बहुत ही कम पैसे में वो राइड ये करवाते हैं वहां पे, ऐसा शिकायत में कहा गया है। लेकिन ये सच भी है, जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया में भी क्या है, 5 रुपए 6 रुपए किलोमीटर पे गाड़ी, जो कि कहीं से भी इस रेट पे गाड़ी चलाना मुमकिन है ही नहीं। तो अपने भारत में भी ड्राइवर्स के यही हाल है, ड्राइवर्स यहां भी रोज मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाखों ड्राइवर्स इन कैब एग्रीगेटर्स के साथ में अटैच है क्योंकि इन्हें तो कुछ देना नहीं है, काम आएगा तो मिलेगा नहीं तो 20-20 घंटा इनके लिए लॉगिन करके बैठे रहो, 20 घंटा काम भी कर लो, 500 रुपए कमाओ या ना कमाओ इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ड्राइवर्स की जान चली जाए, ड्राइवर्स का पैसेंजर खून कर दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ड्राइवर्स गाड़ी के किस्त नहीं दे पा रहे, ड्राइवर्स आत्महत्या कर रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जानबूझ करके ड्राइवर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे बता के उनके हक का पैसा मारा जा रहा था। अमेरिका ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और शिकायत दर्ज कराई गई है कोर्ट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वहां भी कितने ड्राइवर्स ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी भी कमाई वहां पे बिल्कुल ही नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, इस पे जो भी आगे मामले में कार्रवाई होगी आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक सावधानी से चलें, सुरक्षित चलें, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं घर पे इंतजार।